गजरोला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने भाजपा नेता सहित उसके साथी पर लगाए दुष्कर्म के आरोप, नहीं हुई कार्रवाई, वीडियो किया वायरल। बता दें कि गजरोला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का आरोप है कि मुरादाबाद के भाजपा नेता के साथ में आए युवक ने उसके साथ में गाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इस दौरान पीड़िता ने इसकी तहरीर थाने में दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता काफ़ी परेशान है। सोमवार को उसने अपना वीडियो लगभग 1 बजे सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। और मेरी मम्मी और मैं अकेले घर पे थे, रात को सो रहे थे हम। नरेंद्र आया मेरे घर को, मैं बेला फुसरा के लेकर चला गया। बाहर गाड़ी खड़ी थी गजराम की, उसमें मैं बिठाया गजराम की गाड़ी में। मेरे इलाके में तो कुछ नहीं करा उन्होंने मेरे साथ में, और अपने इलाके में ले जाकर साथ मेरे साथ में बदतमीजी करी तमंचे के बल पर। उन्होंने जब बदतमीजी करी मेरे साथ में, एक दफ़ा वो पंचायत करने भी गए थे मेरे घर, ये उनके गांव में। जब पंचायत करने गए थे उनके गांव में, तो मेरे भैया को और मियाँ बहुत मारा उन्होंने, मेरे घरियों को सबको मारा उन्होंने। जब मारा मेरे घरियों को और मियाँ, तो मियाँ डरा रखी थी उन्होंने बहुत तमंचे के बल पर। मिलट मिलट पर मियाँ डराते रह रहे थे कि गोली से मार देंगे, यू कर देंगे, वो कर देंगे। मैं रात को निकल निकल के भी भागे करी, पर मियाँ बांध बांध के बहुत मारे करे थे, वो बहुत मारे करे थे मियाँ बांध बांध के। मैं अपने भैया बंदों को धोरा करी रात को, निकल निकल के भागे करी उनके घर से, अपने भैया बंदों को धोरा आने के ताई बहुत ही मारे करे मियाँ। और जब मेरे भैया ने राजी से नहीं भेजी उन्होंने मियाँ, तो मेरे भैया ने मुकदमा डाला उनके ऊपर। जब मुकदमा डाला तो मियाँ गजरोले छोड़ने आए, वो गजरोले छोड़ने आए दरोगा जी को। उन्होंने 4 लाख रुपए दे रखे थे पहले ही, मुझसे कह दी हुई गजराम ने कि तू डरना मत, मैंने दरोगा जी को 4 लाख रुपए दे दिए हैं, और जैसा दरोगा जी कहे मैं ऐसे करना तू। और दरोगा जी भी कह रहे थे कहाँ ले, मैं हाँ जैसा मैं कहूँ ऐसे करना तू, अन्य तेरे भैया को रुतिया मार देंगे जान से। तो मैं डर हुई थी, वो मेरे और मेरे भैया को मारने की धमकी दे रहे थे मिनट मिनट पर। तो मेरे फिर दरोगा जी के साथ में रात को ही दिन तो मैं ले कर चले गए, वो मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया उन्होंने, फिर मेडिकल बाद को करवाया उन्होंने। जब कहाँ में सब मेरे बयान व्यान करवा दिए उन्होंने, मैंने करवा दी थी कि अब तू मेडिकल, हम कह में थे मेडिकल को, पर तू मना कर देना। तो मैं कह चलो ठीक है, वो डरा दे गए मैं कल बंदूक मार देंगे, जो कर देंगे गोली मार देंगे, मैं डर जा करी। तो उन्होंने मेडिकल को भी मना करवा दिए मुझसे, मैंने कह दी मैंने करवा रही मेडिकल। तो मेरे बयान करवाए उन्होंने, तो बयानों में दरोगा जी ने ये कहलवा दी, क्या ना तू ये कह देना मैं अपनी मौसी के यहाँ पर गई थी, मैं और कहीं नहीं गई थी, मैं मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई थी, मैं मौसी के यहाँ पर चली गई थी, तू ये कह देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ऐसी कह दूँगी। तो मैंने ऐसी कह दिया, दरोगा जी ने डरा रखा था मैं तेरे उनके खिलाफ़ बयान करे तो तीय और तेरे भैया को जेल में भेज देंगे। तो मैं बहुत डर हुई थी, उन्होंने झूठे बयान करवा दिए मुझसे। हम क्या मैं सीओ साहब से मिलने गए, हर जगह गए मिलने, हम सीओ साहब से भी मिले, हर जगह मिले हम, पर किसी ने भी सुनवाई नहीं करी हमारी। हमें जो कह देते हैं आज में हो जाएगा कल में हो जाएगा, पर अरेस्ट कर ही नहीं दिया उसे। मैं इंसाफ नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, मैं इंसाफ दिलवाऊँ नहीं, मैं खुद ही आत्महत्या कर लूँगी।